अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 10 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज एक्सरसाइज 10.2 इसका पार्ट 1 कर रहे हैं। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सकें। ये इसकी फार्मूला लिस्ट है, साइन अल्फा प्लस बीटा ये इक्वल टू होता है साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। इसी तरह साइन अल्फा माइनस बीटा साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा, ये दो फार्मूलाज हैं। इनमें ये देखें सिर्फ साइन का डिफरेंस है, अगर यहाँ प्लस है तो ये प्लस आएगा और अगर ये माइनस है तो ये माइनस आएगा, ये फार्मूला सेम है। इसी तरह कॉस अल्फा प्लस बीटा ये इक्वल टू होता है कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। अब आपने ये याद रखना है कि कॉस के फार्मूला में अगर प्लस होगा तो यहाँ पर माइनस आएगा और अगर यहाँ पर माइनस होगा कॉस के फार्मूला तो ये प्लस हो जाएगा। ये साइन जो है ये वाला साइन कॉस के फार्मूला में साइन चेंज होगा, लेकिन साइन के फार्मूला में ये वाला साइन और ये वाला साइन ये सेम होगा। टेन अल्फा प्लस बीटा यहाँ पर अगर प्लस है तो ये होगा टेन अल्फा प्लस टेन बीटा ओवर वन माइनस टेन अल्फा टेन बीटा, और इसी तरह टेन अल्फा माइनस बीटा तो ये इक्वल टू होगा टेन अल्फा माइनस टेन बीटा ओवर वन प्लस टेन अल्फा टेन बीटा। तो ये इसके सिक्स फार्मूलाज हैं, ये आपको याद रखने पड़ेंगे इस पूरी एक्सरसाइज में। क्वेश्चन नंबर 1 इसका पार्ट 1 है, प्रूव करना है साइन 180 प्लस थीटा इक्वल टू है माइनस साइन थीटा। तो ये साइन 180 प्लस थीटा तो हमने इसे कंसीडर करना है अल्फा, इसे कंसीडर करना है बीटा। तो ये फार्मूला साइन अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू होता है साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। अब ये समझ लें ये अल्फा है तो ये साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा हो जाएगा। अब हमने ये वैल्यू इसकी कैलकुलेटर से चेक करनी है, साइन 180, साइन 180 इक्वल टू क्या होता है जीरो, और कॉस 180 इसकी वैल्यू भी कैलकुलेटर से हम लेंगे तो ये क्या है माइनस वन। जब हम जीरो को कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जीरो हो जाएगा और माइनस वन को साइन थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस साइन थीटा हो जाएगा और ये इक्वल टू राइट हैंड साइड हो जाएगी और हमारा ये क्वेश्चन प्रूव हो जाएगा। इसका सेकंड पार्ट बिल्कुल सेम है, कॉस 180 प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा, इसे हम कंसीडर करेंगे अल्फा, इसे बीटा और इस फार्मूला के मुताबिक कॉस अल्फा प्लस बीटा ये इक्वल टू होता है कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। तो यहाँ पर ये देखते हैं कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा, तो ये फिर वैल्यू कैलकुलेटर से लेकर ये वैल्यू पुट करेंगे और ये हमारा क्वेश्चन प्रूव हो जाएगा। थर्ड पार्ट है, प्रूव दैट टेंजेंट 270 माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा। यहाँ पर ये अल्फा माइनस बीटा, यहाँ पर भी हम फार्मूला लगा सकते थे लेकिन चूंकि टेन 270 की वैल्यू क्या होती है इन्फिनिटी, तो जहाँ वो वैल्यूज जहाँ पर ये टेंजेंट इन्फिनिटी हो जाएगा अनडिफाइन हो जाएगा वहाँ पर हम ये फार्मूला नहीं लगाएंगे। मसलन 270 पे भी अनडिफाइन होता है, 90 पे भी अनडिफाइन होता है और डिफरेंट वैल्यूज हैं जिन पर ये अनडिफाइन होगा, जहाँ पर ये वैल्यूज पे अनडिफाइन होगा वहाँ पर ये फार्मूला नहीं लगाना। तो फिर हम ये करेंगे कि इसको कन्वर्ट करेंगे साइन और कॉस में, तो टेन थीटा क्या होता है साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। अब ये टेन 270 माइनस थीटा तो ये इक्वल टू हो जाएगा साइन 270 माइनस थीटा ओवर कॉस 270 माइनस थीटा। अब ऊपर हम फार्मूला लगाएंगे साइन अल्फा माइनस बीटा का और नीचे फार्मूला लगाएंगे कॉस अल्फा माइनस बीटा का। तो साइन अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला ये है, साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा, तो ये आ जाएगा साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा, और नीचे कॉस अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला ये है कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। ये आपने याद रखना है, कॉस वाले फार्मूला में माइनस होगा तो प्लस लगाएंगे। अब हम इनकी वैल्यूज कैलकुलेटर से चेक करेंगे, साइन 270 इक्वल टू होता है माइनस वन और कॉस 270 इक्वल टू होता है जीरो। इसी तरह ये वैल्यूज नीचे आएंगी, ये जीरो मल्टीप्लाई साइन थीटा जीरो और जीरो मल्टीप्लाई कॉस थीटा ये जीरो हो जाएगा, तो ये आ जाएगा माइनस वन कॉस थीटा माइनस वन साइन थीटा, माइनस वन से ये माइनस वन कैंसिल हो जाएगा। तो कॉस ओवर साइन थीटा ये इक्वल टू क्या होता है कॉट थीटा और ये हमारी राइट हैंड साइड के इक्वल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट, कॉस थीटा माइनस 180 इक्वल टू माइनस कॉस थीटा, ये समझ लें अल्फा, ये समझ लें बीटा। तो कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा
और ये इनकी वैल्यूज पुट करेंगे तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। फिफ्थ पार्ट वो भी सेम है, सिर्फ वैल्यू चेंज है। कॉस अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला लगाना है, कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा, और फिर इन दोनों की वैल्यूज पुट करेंगे तो ये क्वेश्चन हमारा प्रूव हो जाएगा। सिक्स्थ पार्ट भी सेम है, साइन अल्फा प्लस बीटा, तो साइन अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा, तो कॉस 270 की वैल्यू 0 और साइन 270 की वैल्यू माइनस 1, तो ये आ जाएगा माइनस कॉस थीटा। सेवन पार्ट उसमें भी सेम है, टेन 180 प्लस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा, तो अब यहाँ पर हम tan अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला लगा सकते हैं क्योंकि tan 180 जो है वो इन्फिनिटी नहीं होता, तो ये हो जाएगा tan अल्फा प्लस tan बीटा और 1 माइनस tan अल्फा tan बीटा। अब कैलकुलेटर से वैल्यू tan 180 की 0 होती है, यहाँ भी ये 0 आ जाएगी, ऊपर tan थीटा ओवर 1, तो ये इक्वल टू हो जाएगा tan थीटा। एट पार्ट बिल्कुल सेम है, ये आप खुद कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर टू, साइन 15। अब हम साइन 15 की वैल्यू अगर कैलकुलेटर से लेते हैं ये आएगी पॉइंट्स में, हमने एग्जैक्ट वैल्यू लेनी है, तो एग्जैक्ट वैल्यू लेने के लिए आपने इसको इसी तरह सॉल्व करना है। साइन 15 को हम चेंज करेंगे 45 माइनस 30, 45 माइनस 30 इक्वल टू क्या होता है 15। आप इसको 60 माइनस 45 भी कर सकते हैं, आंसर सेम आएगा। अब इसे कंसीडर करेंगे अल्फा, इसे कंसीडर करेंगे बीटा, साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा। अब साइन 45 की वैल्यू 1 ओवर अंडर रूट 2 होती है, कॉस 30 की वैल्यू अंडर रूट 3 बाई 2 होती है, और कॉस 45 की वैल्यू 1 ओवर अंडर रूट 2 और साइन 30 की वैल्यू 1 ओवर 2, तो इसको एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो ये इसकी वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह कॉस 15 की वैल्यू कॉस अल्फा माइनस बीटा, कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा, और फिर हमने ये वैल्यूज पुट करनी है तो ये सॉल्व हो जाएगा। और टेन 15 की वैल्यू भी इसी तरह है, टेन अल्फा माइनस टेन बीटा ओवर 1 प्लस टेन अल्फा टेन बीटा, तो इनकी टेन 45 1 होता है, टेन 30 1 ओवर अंडर रूट 3, और इसी तरह टेन 45 1 और टेन 30 1 ओवर अंडर रूट 3। ऊपर इसका एलसीएम लेंगे तो ये आएगा अंडर रूट 3, तो अंडर रूट 3 माइनस 1, नीचे एलसीएम लेंगे तो अंडर रूट 3 अंडर रूट 3 प्लस 1, ये अंडर रूट 3 इस अंडर रूट 3 से कैंसिल हो जाएगा, तो ये अंडर रूट 3 माइनस 1 और अंडर रूट 3 प्लस 1, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। इसका फोर्थ पार्ट है जी साइन 105, अब हम इसे कन्वर्ट कर लेंगे 60 प्लस 45 में, ये 105 के ही इक्वल होता है, तो साइन अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला और फिर हमने उसमें वैल्यूज पुट करनी है तो ये प्रूव हो जाएगा। कॉस 105 ये भी इसी तरह प्रूव होना है, और टेन 105 ये भी इसी तरह प्रूव होगा, टेन अल्फा प्लस टेन बीटा और 1 माइनस टेन अल्फा टेन बीटा, तो टेन 60 अंडर रूट 3 होता है, टेन 45 1 होता है, टेन 60 अंडर रूट 3 टेन 45 1, तो ये क्वेश्चन प्रूव हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 3, ये दोनों पार्ट्स इसके बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये बोर्ड के पेपर्स में अक्सर आते हैं। हमने ये प्रूव करना है साइन 45 प्लस अल्फा इज इक्वल टू दिस, तो लेफ्ट हैंड साइड लेंगे साइन अल्फा, इसे कंसीडर करना है अल्फा, इसे कंसीडर करना है बीटा, साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा, इसे बीटा समझना है। यहाँ पर जो दूसरी वैल्यू होगी फर्स्ट टर्म को अल्फा समझ लें, सेकंड टर्म को बीटा, तो उस फार्मूला का मुताबिक फार्मूले के मुताबिक ये लगाएंगे, तो साइन 45 1 ओवर अंडर रूट 2 होता है और कॉस 45 ये भी 1 ओवर अंडर रूट 2 होता है, तो 1 ओवर अंडर रूट 2 यहाँ से हम कॉमन लेंगे तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इसी तरह है जी कॉस अल्फा प्लस बीटा, तो कॉस अल्फा कॉस बीटा, कॉस के फार्मूला में अगर प्लस हो तो यहाँ माइनस आता है, साइन अल्फा साइन बीटा, और कॉस 45 की वैल्यू 1 ओवर अंडर टू, साइन 45 की वैल्यू 1 ओवर अंडर टू, तो 1 ओवर अंडर टू यहाँ से कॉमन लेंगे तो ये कॉस अल्फा माइनस बीटा, तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ये इक्वल टू राइट हैंड साइड है। तो उम्मीद काफ़ी है आपको ये लेक्चर समझ आया होगा, थोड़ी सी प्रैक्टिस कीजिएगा तो इंशाल्लाह ये आपका क्लियर हो जाएगा। थैंक यू जी।